Dear students today we will discuss the group angiosperm these are the most advanced plants presence of flower is the most striking features of angiosperm it contains the sex organs of the plants ovules are covered and are present inside the ovary the pollen grains are received by the stigma of the carpels, so, maturation of pollen grain takes place on stigma. The double fertilization is also characteristic only to angiosperm. The endosperm is formed after the fertilization and it is triploid. तो बेटा जो ये ग्रुप एनजीओ स्पर्म है ये प्लांट का एक मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप है जिसमें एडवांस्ड प्लांट्स को रखा गया है और एनजीओ स्पर्म एक ऐसा ग्रुप है जिसमें फ़्लावर ज़रूर प्रेजेंट होते हैं बिना फ्लावर के वो एनजीओ स्पर्म नहीं होता तो जिन पौधों में फ्लावर बनते हैं वो एनजीओ प्लांट्स कहलाते हैं और ये इसका मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स है इसी प्लांट्स पे जो फ्लावर बनते हैं उस फ्लावर में सेक्स ऑर्गन्स के रूप में चूँकि फ्लावर ही इसका एक सेक्स ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर जो कि प्लांट्स पे लगा हुआ है इनमें जो ओव्यूल बनते हैं वो कवर्ड रहते हैं चारों तरफ से इनसाइड द ओवरी ओवरी के द्वारा अंदर ओवियुल कवर्ड रहते हैं और पॉलन ग्रेन्स जो बनते हैं वो पॉलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है या मेचोरेशन है वो बेटा स्टिग्मा पे होता है और ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के द्वारा रिसीव किए जाते हैं चूँकि इनमें जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन के रूप में पहली प्रोसेस होती है पॉलिनेशन और पॉलिनेशन का मतलब है कि, कि किसी भी प्लांट्स के जो फ्लावर है उस फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर गिरते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें एंडोस्पर्म का निर्माण होता है और एंडोस्पर्म का जब निर्माण होता है तो ये एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर होता है और इनमें मुख्य रूप से जो प्रोसेस है वो डबल फर्टिलाइजेशन है डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले एनजोस्पर्मिक प्लांट में ही बताया गया था तो इनमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पाई जाती है अगर इसमें हम देखें तो मेल एंड फीमेल जो हमारे सेक्स ऑर्गन हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारे फ्लावर में ही लगे होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में एंड्रोसियम जिसको इस्टेमिन कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में गाइनोसियम जिसको पिस्टिल कहते हैं तो अगर इसके स्पेशल हम टाइप्स को देखें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मुख्य रूप से थ्री टाइप्स के होते हैं एक तो मुख्य रूप से जीरोफाइट्स होते हैं जो मुख्य रूप से डिजर्ट या मरसली स्थानों पे उगते हैं एक हाइड्रोफाइट्स होते हैं और एक ई होते हैं तो जीरो फाइट ज़ीरो फिटिक प्लांट्स या ज़ीरो फाइट जिसको मरुद्भिद पौधे कहते हैं या शुष्कोद्भिद पौधे कहते हैं जो डिज़र्ट या सोइल में जर्मिनेट होते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पर पानी नहीं होता या लेक ऑफ वाटर होता है जैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर आपको हम बताएं तो कुछ जीरो फिटिक प्लांट्स होते हैं जैसे यूफोरबिया होता है अप्यूनिया या नागफनी होता है कैलोट्रोपिस होता है एलोए होता है नीरियम होता है ये ऐसे हैं जो जीरोफाइट्स कहलाते हैं इसी प्रकार कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं इन प्लांट्स का जो जर्मिनेशन या ग्रोइंग होता है वो हमेशा वाटर में होता है जैसे हाइड्रिला है सेजिटेरिया है वेलिसनेरिया है निलम्बो है इकॉर्निया है निम्फिया है ये सब हाइड्रोफाइट्स प्लांट हैं जिनका एडॉप्टशन वाटर से ही होता है कुछ बेटा ऐसे प्लांट्स हैं जो ईपीफाइड्स होते हैं ईपीफाइड्स का मतलब है कि दीज आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स बट डू नॉट ऑप्टेंड फूड फ्रॉम देम दस दीज आर नॉन पैरासिटिक प्लांट। तो ये ईपीफाइड्स होते हैं जो नॉन पैरासिटिक प्लांट्स कहलाते हैं जैसे वंडा की एक स्पिस होती है जो ईपीफाइड्स प्लांट्स कहलाते हैं चट्टानों के आसपास वो जर्मिनेट होंगे इसके अलावा एक प्लांट्स और होते हैं जिसको पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं जो अपने मिनरल्स को कंप्लीट करने के लिए वो इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं और उसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स तो ऐसे हैं जैसे आपको पता है ड्रोसेरा है नेपेंथीज है ये सब प्लांट हैं और ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं जिससे उनमें मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है लेकिन जो पैरासाइट्स होते हैं वो पैरासाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो दूसरे प्लांट्स से लिपटकर कर उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं जैसे दीज प्लांट्स ग्रो ऑन अदर लिविंग प्लांट्स एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देम फॉर एब्जॉर्बिंग दीज आर प्रोवाइड विथ स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर कार्ड हास्टोरिया तो जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो एब्जॉर्बन करते हैं और उनमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर लगा होता है रूट लाइक जिसको हास्टेरिया कहते हैं और वो हास्टेरिया अदर प्लांट्स के स्टेम से लिपट जाता है और वहाँ से पूरा नरिशमेंट लेता है जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कुस्कुटा कुस्कुटा है विस्कम है और स्ट्राइगा है ये ऐसे प्लांट हैं जो पैरासाइट्स होते हैं लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स मैंने बताया अभी कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट का भक्षण करते हैं कीटों का भक्षण करते हैं अपने मिनरल्स को कंप्लीट करने के लिए तो उसको बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं तो एनजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आज हमने बताया कि ये ऐसे मोस्ट एडवांस प्लांट हैं जिनमें फ्लावर जर्मिनेट होता है फ्लावर निकलता है और फ्लावर ही क्या है ये प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं और जो प्लांट्स का स्पेशल टाइप्स के प्लांट्स हैं तो उनमें तो हमने आपको बताया जीरोफाइड्स, हाइड्रोफाइड्स, हाइड्रोफाइट्स पैरासिटिक और इंसेक्टिवोरस। तो बेटा आज हमने ये आपको नोट्स दिया है एन स्पर्म का थोड़ा सा इसको आप आ, लर्न करिएगा और अपने फेयर नोट्स में इसको लिख लीजिएगा फिर कल मैं आपको बताऊंगा इसका अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन या लाइफ साइकिल कैसे ये चलती है ओके बेटा थैंक्स